दोस्तों इस वक्त खड़े हैं सढौरा नकटी नदी पर जो नया तटबंध बना है यहाँ पर, और बताया ऐसा जाता है कि दूसरी तरफ एक गाड़ी फंसी हुई है यूटिलिटी टाइप। अभी 9 बजे नगरपालिका चेयरपर्सन को कॉल आता है कि ऐसे ऐसे नदी में एक व्यक्ति फंस गया अपनी गाड़ी के सहित। तो अब प्रशासनिक अधिकारी तमाम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, SHO सढौरा और उनके अलावा तहसीलदार, पटवारी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और SDRF की टीम रेस्क्यू के लिए थोड़ी देर तक यहाँ पर पहुँचने वाली है। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर गाड़ी किस टाइम और किस वजह से, क्या उसका मुख्य कारण रहा होगा कि वो यहाँ पर लेकर आया और अचानक से पानी आ जाता है नदी में और वो वहाँ पर फंसा रह जाता है। लेकिन जब तक SDRF की टीम मौके पर पहुँचती, उससे पहले ही सढौरा के ही कुछ युवकों ने उस व्यक्ति को दूसरी तरफ से जाकर सेफ बाहर निकाला। तो चलिए क्या कुछ कहानी घटी है इनके साथ, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बजे तो मैं आया बिल्कुल साफ था, ठीक है। इसके बाद मैं गेर के निकलने वाली बात थी मेरे को, गाड़ी दस गई मेरी, दोबारा लेके आ जाओ। हाँ, वापस आया मैं, ठीक है। तो गाड़ी दसने, ये भी काटना जरूरी है मेरा, ठीक है। फिर मेरे को आगे जो उनसे रेप है उसमें 4-5 फुट पानी भर जाता है, अब मेरा गल्ले का जाने का डेट ही नहीं पड़ा। पानी आया, आप क्या कर रहे थे उस टाइम? मैं गाड़ी निकाल रहे थे, गाड़ी खाल उतार रहे थे, खाल तो उतार के मैं गाड़ी लेके निकल रहे। टाइम क्या था? टाइम का पता आइंदा जब पानी आ रहा हो तो आपने पानी में नहीं बरतना। इन भाइयों ने, भाई साहब आप अपना नाम बताएं, जिन्होंने इनको बचाने में हेल्प की। इन भाई साहब यहाँ ना आप अपना नाम बताओ, 500 लोग खड़े, अब नाम बताओ ना अपना। हम दो बंदे गए, एक मेरा भाई गया, भाई है भाई साहब पानी में, एक पक्का गया, एक मैं गया, ये प्रसन्न भाई है, ये है सिख भाई है अपने, इन्होंने भी तो भाई पानी में दो बंदे ने इतना नहीं इसके लिया, 4-5 फुट पानी के। ऐसा जी प्रशासन से विनती है भाई साहब, आदमी को एक ऐसा माहौल दिया जाए, पूरे शहर की सेवा करता है जैसे मार्केट कमेटी के आदमी करते हैं, नालियां साफ करनी, जिससे हर इंसान भागता है सेवा के लिए। ये लोग वो सेवा करते हैं जिससे हर इंसान भाग। यहाँ तो सही जनता भाइयों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन भाइयों ने इसको जमीन उपलब्ध होनी चाहिए, सरपंच साहब जमीन उपलब्ध होगी, इसका ठेका भी होगा, इसका सारी व्यवस्था होगी। कब होगा? अब कब इसके पास से, जब से ये ठहरा हमारे नगर पालिका का 2 साल का कार्यकाल हो गया, 1 रुपया भी ये तो इसने किसी को जी, नहीं, पहले पंचायत के समय में उठाता था। बात सुनो, मैं उस समय पंचायत मेंबर था, आप राजनीति के आदमी हो, हम तो 1 लाख रुपए देता था ठेके के, अब कोई इससे कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। ये शहर की सेवा करता है, कोई बच्चा बड़ा कोई भी इसके पास फोन करता है, ये तुरंत बेचारा साथ में साथ शहर में कोई प्रशासन की जिम्मेदारी, तो इसको जमीन उपलब्ध, प्रशासन की जिम्मेवारी यह है कि भाई इसको टेंडर लगाया जाएगा और इसके बोली होगी। ऐसे नहीं होगा कि भाई अभी, अभी इसी को ठेका दिया जाएगा, वो तो जो रेट लगाएगा उसको मिलेगा। ये पहले पंचायत के टाइम में भी यही रूल था, 1 लाख। आप हमारे मौजूद आदमी हो शहर के, हाँ जी, आपका जवाब देना अधिकार है, हमारा पूछना फर्ज है, फर्ज है। हमने आपको वोट दिया, आप बने हो। मेरे को ये बात बताइए, अगर प्रशासन ने इसमें क्या करे, प्रशासन ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन ने चलाया, SHO साहब प्रशासन ने बुलाए, राजनीति करने वाले आदमी ने यहाँ कुछ नहीं करा। नहीं नहीं, वे लोग जब पानी निकल जाते हैं सुबह सफाई के घर पहुँचेंगे, वो यहाँ पे सुबह पहुँचेंगे, आपको दिखाएंगे जैसे मेरा, के साथ जो अत्याचार मेरा कहने का फर्ज ये है भाई, अगर हमारे सामाजिक आदमी पूरे शहर का कूड़ा करकट जैसे नगर पालिका के लोग उठाते हैं, वैसे ये इंसान, ये एक अकेला आदमी, ये पूरे शहर का वो चीज को उठाता है जैसे गाय हमारी माता है, ये उस माता को सही सिस्टम में उनका उद्धार करके दफनाता है उस चीज को, या उस चीज को काम करता है, अपनी सेवा कर रहा है समाज के लिए भाई, लोगों में ये बदबू ना फैले। अगर एक डंगर कहीं मर गया गली, प्रशासन किसी गली मर जाए, किसी मोहल्ले मर जाए, तो नियम प्रशासन क्या कहता है, नगर पालिका ये काम करती है, उसको उठा के इसको टेंडर दे। अगर नगर पालिका उसको टेंडर नहीं देती, एक सामाजिक आदमी अपने जोर रसूल से, अपनी मेहनत से, मेरी इच्छा है किसी की सेवा करनी, वो समाज की सेवा कर रहा है। और तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि मोनू जी। जी आपको किस वक्त पता चला है ये पूरा? सर 9 बजे हमारे पास कॉल आई कि भी ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति यूटिलिटी गाड़ी के अंदर नदी के अंदर फंस गया है जी। तो हमने साथ ही SDM साहब, DC साहब के संज्ञान में ये बात डाल ली, SHO साहब के साथ ही इसको बचाने का कार्य शुरू हो गया।